हेलो फ्रेंड्स, अली साद हियर। आई एम फ्रॉम शिकागो और आज मैं आपको शिकागो की स्नो दिखाऊंगा कि शिकागो में स्नो किस तरह से और कैसे होती है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, मगर आज तो बहुत ज़्यादा हुई है और इट्स गोना बी 8 इंच। तो ये मैं अपने घर से निकला हूँ, ये आप बैक में देख रहे हो, तो यही मेरा घर है यहाँ पर और ये दीवान एवेन्यू पर है शिकागो में। ओके, सिक्स अमेरिका के शहर शिकागो को बर्फानी तूफानों ने अपनी लपेट में ले लिया है और ज़रूरियात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा देसी न्यूज़ चैनल कहते हैं जो अमेरिका से बाहर के लोग, और उनको भी मैं बताना चाहूँगा भाई हमारी कोई ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। यहाँ पर अभी भी बहुत स्नो हो रही है और बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। 2-3 घंटे का प्रॉब्लम होता है और वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको क्लीन करती है और क्लीन करने के बाद हमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे देती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियां शायद आपको नज़र आ जाएंगी जाती हुई, और अभी तो मैं अंदर वाली स्ट्रीट पर हूँ। जैसे मेन स्ट्रीट पर जाऊँगा आपको सारी गाड़ियाँ वगैरह सब दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ स्नो कितनी होती है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ये स्नो का ढेर, और ये देखिए ये एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह। आप दरख्तों की खूबसूरती देखें बस, मतलब हम लोग इस मौसम को भी इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ कोई हेडेक लगता है या किसी किस्म का वो लगता है। ये देखें ये गाड़ी पर इस तरह से आ गई है, वैसे भी यूजुअल आप लोग देखते ही होंगे और दूसरी वीडियोस में भी, मगर ये मैं आपको शिकागो का दिखा रहा हूँ। ये देखें इस तरह से इसने ये हैज़र्ड ऑन कर दिए हैं ताकि ये सर्विस वैन है कोई, तो अभी भी स्नो हो रही है और ये होती रहेगी कल तक, मगर मैं घूम रहा हूँ और आपके सामने हूँ। ये देखिए कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत हैसल होती है चलने में, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। फिर भी मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि वो यही होता है कि ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर स्नो हुई है तो पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ये लोग घर के अंदर महसूर हो गए। नहीं भाई, हम कोई घर के अंदर महसूर नहीं होते हैं। और हम आज ये बड़ा स्टॉर्म है और ये 2 दिन तक चलेगा, 2 दिन तक होता रहेगा, कुछ ना कुछ स्नो होती रहेगी। तो मैं आपको यहाँ का हाल दिखाता हूँ कि यहाँ का हाल क्या हुआ है। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक दिखा रहा हूँ कि ये देखें आपको ये रास्ते बन गए हैं और ये हमें ख़ुद बनाने पड़ते हैं और इसको बनाने में भी हम इन्जॉय करते हैं। तो इसको हमारे पास वो स्नो शवल होते हैं, उससे सिर्फ स्नो प्लॉ कर देते हैं, साइड पर कर देते हैं, और ऐसे साइड पर ढेरियाँ बनाने के बाद हम इस पर एक सॉल्ट आता है वो डाल देते हैं। ये देखिए ये आप जा रहे हैं वॉक करते हुए और ये इस तरह से घर के अंदर घुस गए। ये मेरा अपना घर है इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, वरना किसी और के शायद मुझे परमिशन नहीं पड़े, तो इसलिए। और ये मेरा फ्रंट यार्ड गार्डन है जो पहले कभी बड़ा हरा हुआ करता था, हरा भरा, और अब इस बेचारे पर स्नो आ गई है और ये एक चांदनी से बिछ गई है। आप इस पर गज़ल गैदरिंग कर सकते हैं, वीद गज़ल गैदरिंग। और यहाँ से हम जाते हैं मेरे बैकयार्ड पर, ये छोटी सी गली साइड से जाती है और ये मैं आपको भी दिखाता चलूं अपने आप को भी। और ये ऐसे ये देखो ये हमारा बैकयार्ड, और वो जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं सामने, उसमें कभी कभी सब्जियां लगा करते थे, टमाटर लगा करते थे, धनिया, पुदीना, मिर्च, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा करती थी। अब वहाँ पर इस बर्फ़ ने अपना कब्जा कर लिया है और ये हमारे गार्बेज कंटेनर्स हैं। ये
ये हम जाते हैं भारत की तरफ, तो ये हमारी गली है। वो जैसे वहाँ पर साफ गली गंदी गली होती है ना, तो इस तरह से ये या बड़ी गली और छोटी गली कह सकते हैं। तो ये इसका हाल ये होता है, और ये सारे गैराजेज हैं। और ये मैं अगर आप देख रहे हैं तो ये मतलब हमें इतना स्नो बादल नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। Thank you.
इस इंटरसेक्शन की जो ब्यूटी है दीवान इन दर्शन होती है शिकागो इसकी जो ब्यूटी आपको बताऊँगा क्योंकि यहाँ से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं दीवान पर तो वो सिग्नल खुल चुका है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से पहले यहाँ से यह दीवान एंड दर्शन का इस इंटरसेक्शन है और ये इसलिए अहमियत रखता है इसके इस ईस्ट की तरफ जाएंगे दीवान पर तो जिला एवेन्यू का नाम दे दिया गया है और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसको गांधी एवेन्यू का नाम दे दिया तो आपको मैं वो भी दिखाऊँगा इनकी जो नाम कहाँ कहाँ उनको लिखते हैं तो ये देखें हमारी ये देसी कपड़ों की बुकिंग इंडियन स्टाइल बुकिंग और ये इंश्योरेंस का ऑफिस और ये वर्ल्ड क्लास की बुकिंग ये बहुत पुरानी यहाँ पर दुकान है तो ये हमारे पार्किंग मीटर्स हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पर गाड़ी पार्क करनी होती है देखें बस यहाँ पर जो है इसमें आपको कम नज़र आ रही है क्योंकि ये उन्होंने साफ कर दी है ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेल्फी शॉप है और डिफरेंट किस्म के मैंने आपको और जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिला एवेन्यू दीवान एवेन्यू एंड क्लियर में जैसा कि मैंने बताया कि दीवान एंड वेस्टर्न के बाद चेंज होता है दीवान से ईस्ट जाएंगे तो आपको जिला एवेन्यू मोहम्मद अली जीवन एवेन्यू और दीवान से वेस्ट जाएंगे तो गांधी मर्ज वही एवेन्यू और वे कुछ भी कह स्ट्रीट कहते हैं